दोस्तों इमेजेस तो हम सभी यूज़ करते हैं, बट हमें प्रॉब्लम होती है यह जानने में कि इमेज हमारी कॉपीराइट फ्री है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामकेश है, आप देख रहे हैं नेस्टेड मैंगो चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल या अपने एप्लीकेशन या आप किसी भी प्लेस पर यूज़ करना चाहते हो। लाइक आप वेबसाइट डेवलपर हो तो आप वहाँ पर अपनी इमेज को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसी कौन सी साइटें हैं जहां से हमें फ्री में इमेजेस डाउनलोड करने को मिल जाती है। वहां से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, आप कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हो, और ये आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी इमेज कॉपीराइट फ्री है कि नहीं है, और वहां से आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेज मिल जाते हैं। तो मैं आपको पहली वेबसाइट बताना चाहूंगा, उस वेबसाइट का नाम है pixel.com। दोस्तों ये मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है, जहाँ से मैं अपने गेम के लिए, अपने YouTube चैनल के लिए और अपने वेबसाइट के लिए इमेज यूज करता हूँ। यहाँ पे आप वो देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो अपनी इमेज को यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आप भी अपनी इमेज को यहाँ पे पोस्ट करो, तो आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप यहाँ पे अपने इमेज कंट्रीब्यूट यानी कि फोटो डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप इमेज सर्च भी कर सकते हो कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर एनिमल को चाहते हो या आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हो, तो किसी भी तरह के इनोवेटिव टाइप के इमेज आपको यहाँ से मिल जाती है। और आप जानते हो कि इस तरह की इमेज आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, या आप कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल बना रहे हो या आप कोई वीडियो बना रहे हो, आप वहाँ पर उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, लाइक सपोज मैं क्यूब चाहता हूँ या आप किड्स चाहते हो या कैट चाहते हो, तो आप यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लर्निंग ट्यूटोरियल्स और एक टिप्स प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि लोग अपना काम आसानी से कर सकें। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक इमेज पे क्लिक किया, आप देख सकते हो उसका कितना हाई रिजोल्यूशन है और कितने क्लीननेस के साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसे पर्सनल यूज़ करने के लिए या कमर्शियल यूज़ करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि आपको फ्री में नहीं लेना चाहिए, आपको कुछ पैसे डोनेट करना चाहिए, तो आप वहाँ पे डोनेट पे जाके कुछ डॉलर पे कर सकते हो, या अगर आप सोचते हो कि नहीं करना चाहते हो तो आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो हम जैसे लोग फ्री में ही डाउनलोड करते हैं। तो ये थी हमारी पहली साइट, और दूसरी साइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि दूसरी साइट कौन सी है। बट तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो पहली पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना कोई भी इमेज यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी का शौक होता है, तो ये फोटोग्राफी किसी न किसी के लिए मदद कर देती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरी वेबसाइट जो है वो हमारी है freepixels.com। तो आपको जितनी भी वेबसाइट मिलती है उसमें पिक्सल्स कॉमन होते हैं, बट उनके नाम थोड़े से अलग हैं। तो इस वेबसाइट से आपको दोस्तों हर तरह की इमेजेस मिल जाती हैं, बट स्पेशली जो इनका फोकस होता है, स्टार्टिंग में आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनके इमेज आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इनका यूज़ आप अपने YouTube वीडियो में कर सकते हो, आप अपने कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, सपोज आप रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो, तो वहाँ भी इन सारी इमेज का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है हमें जब हम कोई भी इमेज यूज़ करते हैं गूगल से। जैसा कि मैं डेवलपर टीम में हूँ, तो मेरे दोस्तों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी इमेज कॉपीराइट है, कौन सी इमेज कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, समझा और जाना, तो मुझे लगा कि आपको से ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी गूड वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ से आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो जो कॉपीराइट फ्री है। तो ये थी हमारी दूसरी वेबसाइट, अब चलिए हम लोग जानते हैं तीसरी वेबसाइट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पर आप जितने भी सारी चीज़ें देख रहे हो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, या चाहो आप उन पर क्लिक करके आप उससे रिलेटेड इमेजेस को देख सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने वर्ड्स पर क्लिक करा, तो आप देखो यहाँ पर आप जितने भी नेचुरल वर्ड्स हैं उनकी सारी इमेजेस आ गई, और ये सारी इमेजेस कैमरे से कैप्चर की गई हैं और लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है।
तो दोस्तों लोगों का बहुत ही अच्छा ग्रुप होता है जहाँ से लोग अपनी इमेज को शेयर करते हैं। ये दोस्तों जानते हैं तीसरी वेबसाइट के बारे में। ये वेबसाइट मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत ही इनोवेटिव टाइप की इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ आपको लगता है कि अगर किसी भी तरह की इनोवेटिव इमेज चाहते हो आप, तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको इनोवेटिव टाइप की इमेजेस यहाँ से आपको मिल जाती हैं और इन पे आप क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमें प्रोवाइड कराती है कलेक्शन, यानी कि हमारे जितने भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाया वहाँ से कहीं ना कहीं इस वेबसाइट का लिंक होता है और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सारी वेबसाइटों की लिंक आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने किसी भी कॉपीराइट इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो हमारी है 500px.com। तो दोस्तों एक बहुत ही कूल वेबसाइट यहाँ से मिल जाती है आपको। एक पर्टिकुलर इमेज चाहते हो, किसी भी तरह का इमेज चाहते हो, आप यहाँ से आप ले सकते हो। ये भी आपको पूरी तरह से फ्री प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप बिल्डिंग्स वगैरह के रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आप यहाँ से गेट कर सकते हो। और नेक्स्ट वेबसाइट जो है वो हमारी अनप्लेस है और इस पर भी आप कूल इमेजेस गेट कर सकते हो। आप यहाँ से लोग इमेजेस अपनी पोस्ट करते हैं, अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके इमेजेस यहाँ पर पोस्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इमेज यहाँ पे डाले जाते हैं। तो आप यहाँ से अपनी किसी भी इमेज को आपको पसंद आ रही हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उस पर कुछ डोनेशन देना चाहते हो तो आप डोनेट कर सकते हो। आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो और किसी भी इमेज को आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कैट सर्च करा, तो आप देखिए कि कैट की जितने भी पोस्ट किसी ने करी है वो सारी इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं। तो ये था हमारा वीडियो, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने किसी अगर आप डेवलपर हो तो अपने डेवलपर्स के साथ, यूट्यूबर हो तो यूट्यूबर के साथ, क्योंकि दोस्तों सच में ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कौन सी इमेज यूज करें कौन सी नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।